सेवक संघ से जुड़े हुए जितने संगठन है उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर को। 70 संस्थाएं इस देश में हैं जो अभी पेप्सी कोक के खिलाफ काम कर रही है। हमें बहुत खुशी है, जब काम शुरू हुआ था तो हम अकेले थे, आज 70 संस्थाएं पूरे देश में, और इन सब संस्थाओं का मिला जुला परिणाम है कि 70% बिक्री उनकी कम हुई है, 30% भी कम हो जाएगी अगर हम अपने जीवन में ये कसावट रखें। नहीं तो मैं आपको एक बहुत बहुत ताजा उदाहरण देके जाता हूं जो मैंने पहले कभी आपको बताया नहीं, क्योंकि ये घटना अभी घटित हुई है। अमिताभ बच्चन नाम का एक फिल्म एक्टर है, इसकी कहानी है। थोड़े दिन पहले ये बीमार था और आपको याद है इसका ऑपरेशन हुआ पेट, और 9 घंटे तक ऑपरेशन चला। इसको बीमारी क्या हुई, डायवर्टिकुलाइटिस, बड़ी अंतड़ियों का रोग होता है और इसमें अंतड़ियां सड़ जाती है। तो जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया उसको मैंने एक बार पूछा कि भाई आपने 9 घंटे अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन किया, तो उसने कहा कि उसकी बड़ी आंख सड़ गई थी, जगह जगह से उसको काट के निकाला, तो 9 घंटे लगे। उन्होंने कहा हाँ लगे, तो ये काट काट के जो बड़ी आंख निकाली आपने क्यों निकाली, तो उन्होंने कहा अगर नहीं काटता तो मर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ये किया। तो कैसे सड़ गई उसकी बड़ी आंख, क्योंकि बड़ी आंख तो साधारण लोगों की नहीं सड़ती, जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनकी बड़ी आंख सड़ती है, जो बहुत सुअर का मांस खाते हैं जिसको पोर्क कहा जाता है उनकी बड़ी आंख सड़ती है, जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं उनकी बड़ी आंख सड़ती है, जो बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग और मैगी खाते हैं उनकी भी सड़ती है। लेकिन अमिताभ बच्चन ये कुछ भी नहीं करता, ना पिज्जा बर्गर खाता है, ना शराब पीता है, ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना गुटखा खाता है, कुछ नहीं करता, फिर कैसे सड़ गई। तब वो डॉक्टर ने कहा कि वो पेप्सी कोक पीता है और इससे भी बड़ी आंख सड़ जाती है, और डॉक्टर ने कहा कि 10 साल से पीता है, 10 साल में उसकी बड़ी आंख सड़ गई। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा आपने ये बात बताया अमिताभ बच्चन को, उसने कहा हाँ बता दिया। तो मैंने पूछा उसका क्या रिएक्शन है, तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। अब वो पेप्सी का विज्ञापन नहीं करता, पहले वो करता था अब बंद कर दिया। जब मैं कन्फर्म हो गया तो मैंने अमिताभ बच्चन को ईमेल किया और उसको ये सब बात कही, तो उसने कहा यस इट इज ऑल ट्रू, ये सब सत्य है, मेरी बड़ी आंख सड़ी उसका कारण पेप्सी कोक है। तो मैंने कहा आप ये बात टीवी पे बोल रहे थे, हाँ, कि मेरी बड़ी आंख सड़ गई है उसका कारण ये पेप्सी कोक है, और आपके साथ अपने डॉक्टर को भी बिठा दो, वो बताएगा क्योंकि ऑपरेशन उसी ने किया। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो इस पे एक फिल्म बना दो आप कि पेप्सी कोक पीने से कैसे बड़ी आंख सड़ जाती है, 3 घंटे की फीचर फिल्म बना दो। तो उसने कहा ये भी नहीं कर सकते, क्यों क्या तकलीफ है। तो उसने कहा कि मैंने इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए लिए पेप्सी से, और जब रुपए लिए थे तो समझौता किया एग्रीमेंट किया है कि जब तक ये कंपनी भारत में रहेगी मैं इसके खिलाफ बात नहीं बोलूंगा, कंपनी ने मुझसे लिखवा लिया, और अगर मैंने बोला तो ये कंपनी मेरे ऊपर 500 करोड़ का दावा करेगी, मुझे 500 करोड़ देना पड़ेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कंगाल और भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये बोल नहीं सकता। तो मैंने उसको पूछा मैं बोलूं, तो उसने कहा हाँ आप बोलो, आपने तो कोई समझौता नहीं किया कंपनी से। तो मैंने कहा मैं आपका नाम लेके बोलूं, उसने कहा हाँ मेरा नाम लेके बोल सकते, अगर मेरा नाम लेके आप बोलो और लोगों का कुछ भला होता हो तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, आप मेरा नाम लेके बोलो कि अमिताभ बच्चन को पेप्सी कोक पीने से ये हुआ है। तो आप सोच लो ये पेप्सी कोक कितना खतरनाक है, इसलिए कभी भी गलती से मत पीना, किसी घर में आने वाले अतिथि को तो बिल्कुल मत पीना, अतिथि भगवान के समान होता है, उसको संडास साफ करने का पानी नहीं पिला सकता, ये आप ध्यान रखें। अगर हम पेप्सी कोक ना खरीदें तो अमेरिका की कोई चीज ना खरीदें, ये कॉलगेट भी अमेरिका का है, कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सिबाका फॉरेंस ये भी बंद कर दें, ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग भी अमेरिका का, कभी ना खाएं, मैगी भी अमेरिका की है। आपको मालूम है अभी सबसे सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन हुआ है कि पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग और मैगी ये सब सुअर के मांस से बने हैं, सबके सब सुअर के मांस से बने, और भारतीय एक व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं वो कट्टर जैन है, उन्होंने अमेरिका के मैकडोनल्ड कंपनी पे केस किया कि इन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट किया। कैसे, वो कंपनी बोलती है दिस इज ऑल वेजिटेरियन, तो बेचारे वो खाते रहे बहुत दिन तक,
फिर एक दिन उनको शक हो गया कि इसका टेस्ट कुछ बदला बदला सा है, तो उन्होंने पिज्जा बर्गर खरीदा और टेस्टिंग के लिए दे दिया लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी ने कहा यह सुअर की चर्बी का है, तो कंपनी पे दावा ठोक दिया। अब मुकदमा चल रहा है उनका, थोड़े दिन में उसका फैसला आ जाएगा। कंपनी उनसे सेटलमेंट करना चाहती है कि आप मुकदमा वापस ले लो, हम 50 करोड़ डॉलर दे देंगे। लेकिन वो भाई इतना कट्टर जैन है, उसने कहा कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा, पैसे नहीं लेने दूंगा। सारी दुनिया को पता चले कि ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग सुअर के मांस से बनता है। तो मैंने अभी उनसे वो पूरे केस की रिपोर्ट मंगाई है, जैसे ही मेरे पास आएगी मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में ये केस दाखिल करने वाला हूं भारत में, कि भारत के करोड़ों हिंदुस्तानियों का धर्म ध्वस्त करने के लिए। मेरी आपको विनती है कि आप ये पिज्जा बर्गर मत खाइए और कभी भी मैगी मत खिलाइए बच्चों को अगर आप शाकाहारी हैं। ऐसे ही अमेरिका की कुछ चीजें और बिक रही हैं इस देश में, जैसे फेयर एंड लवली। बहुत लोग लगाते हैं कि गोरेपन की क्रीम है, मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो आज तक काला है। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हो सकता, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा, रंग नहीं बदलता कभी। हमने इस फेयर एंड लवली के खिलाफ मुकदमा किया मद्रास हाईकोर्ट में, उसमें हम जीते, कंपनी हारी। वो कैसे मुकदमा था, मेरा एक दोस्त है वो मेरे साथ पढ़ता था इंजीनियरिंग में, तमिलनाडु का है, वो बहुत काला है, इतना काला है आपके घर में तवा है ना उसको उल्टा कर दो, इतना काला। और वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था, हम दोनों रूम पार्टनर थे, मैं उसको रोज देखता था, वो फेयर एंड लवली लगा, 12 साल उसने फेयर एंड लवली लगाया। और वो बोलता है कि हॉस्टल में आने से 8 साल पहले से लगा रहा फेयर एंड लवली, तो 20 साल लगाया अभी भी चिक्कट काला। तो मैंने एक दिन कहा भाई कभी तो तू सुधरेगा, तो एक दिन उसको समझ में आ गया, उसने कहा अब बस अब बन फेयर एंड लवली। तो मैंने कहा तेरे पास इसका फेयर एंड लवली खरीदने का जो बिल है वाउचर है वो मुझे दे दे, तो उसने दे दिए। तो उसके आधार पर हमने केस कर दिया मद्रास हाईकोर्ट में, वो मद्रास में रहता है तो केस नहीं करना पड़ा। अब जजमेंट देने वाला जो जज है वो एक दिन बोला कि मेरे घर में भी यही समस्या है, वो जज कहता है मेरे घर में भी यही समस्या है। तो उसने बहुत सुंदर जजमेंट दिया, पेप्सी ये फेयर एंड लवली कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा मद्रास हाईकोर्ट में। जज ने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है जो किसी व्यक्ति को काला है तो गोरा बना दे, तो उनका साहब इसमें कुछ नहीं मिला है। तो अच्छा ये बताओ ये बनती कैसे, तो उनका सुअर की चर्बी के तेल से हम इसे बनाते हैं। अब भारत की करोड़ों माताएं बहनें ये सुअर की चर्बी का तेल चेहरे पे पोतती है और सोचती है बहुत सुंदर होगा। सुंदरता फेयर एंड लवली में नहीं है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक में नहीं है, सुंदरता गुण कर्म और स्वभाव में है। आपका गुण अच्छा है, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, तो आप आप मत लगाइए फेयर एंड लवली। फिर आप बोलेंगे कौन सी क्रीम लगा, कोई मत लगाइए, जैसे आप हैं बहुत अच्छे, त्वचा हमारी जैसी है बहुत ही अच्छी, इसमें क्रीम पाउडर लगा के इसको खराब मत करिए। क्योंकि सभी वैज्ञानिक जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि त्वचा को जितना ज्यादा केमिकल्स लगाएंगे उतनी खराब हो जाएगी, तो कुछ मत लगाइए। और ये कितनी महंगी है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए में है, 50 ग्राम 80 रुपए में है, 100 ग्राम 160 रुपए की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 200 रुपए किलो का काजू है, 300 रुपए किलो बादाम है, 1600 रुपए किलो ये सुअर की चर्बी का तेल। अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो 200 रुपए किलो बादाम खाइए, काजू खाइए, ये 1600 रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते हैं, बंद करिए इसको, कुछ जरूरत। और भाइयों से निवेदन है कि अमेरिका की शेविंग क्रीम ना लगाएं, जैसे पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, ये सब अमेरिकन। दाढ़ी बनानी है तो दूध से बनाएं, मैं आपको पहले बोल के गया था, अभी रिपीट कर रहा हूं, दूध ले लीजिए चेहरे में लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेप बनता है। नहीं तो दही ले लीजिए, दही रगड़ के चेहरे पे रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेप बनती है, खर्चा भी कम होता है, स्मार्टनेस भी आती है। और दूध और दही से दाढ़ी बनने लगे तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, तो मुनाफा किसानों को मिलेगा, तो किसान अमीर हो जाएंगे, तो देश भी अमीर हो जाएगा। आप अगर अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करें तो अमेरिका की हर कंपनी को हम जवाब दे सकते हैं। आपकी जीवन शैली थोड़ी बदल दे, भारतीयता वाली जीवन शैली पे आ जाए तो अमेरिका का कोई धंधा इस देश में नहीं चलेगा। और मेरी आपसे छोटी सी विनती है, बहुत जरूरी, कि अमेरिका की कोई भी दवा ना खाए। और मेरा तो आपसे एक कदम और आगे बढ़कर कहना है कि एलोपैथी की ही दवा ना खाए, क्योंकि खतरे सब उसी में है। आपको मालूम नहीं कौन सी दवा टेस्ट के लिए आई है, कौन सी ट्रायल पर आई है।
सेवक संघ से जुड़े हुए जितने संगठन है उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर को। 70 संस्थाएं इस देश में हैं जो अभी पेप्सी कोक के खिलाफ काम कर रही है। हमें बहुत खुशी है, जब काम शुरू हुआ था तो हम अकेले थे, आज 70 संस्थाएं पूरे देश में, और इन सब संस्थाओं का मिला जुला परिणाम है कि 70% बिक्री उनकी कम हुई है, 30% भी कम हो जाएगी अगर हम अपने जीवन में ये कसावट रखें। नहीं तो मैं आपको एक बहुत बहुत ताजा उदाहरण देके जाता हूं जो मैंने पहले कभी आपको बताया नहीं, क्योंकि ये घटना अभी घटित हुई है। अमिताभ बच्चन नाम का एक फिल्म एक्टर है, इसकी कहानी है। थोड़े दिन पहले ये बीमार था और आपको याद है ये काट काट के जो बड़ी आंत निकाली आपने क्यों निकाली, तो उन्होंने कहा अगर नहीं काटता तो मर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ये किया। तो कैसे सड़ गई उसकी बड़ी आंत, क्योंकि बड़ी आंत तो साधारण लोगों की नहीं सड़ती, जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनकी बड़ी आंत सड़ती है, जो बहुत सुअर का मांस खाते हैं जिसको पोर्क कहा जाता है उनकी बड़ी आंत सड़ती है, जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं उनकी बड़ी आंत सड़ती है, जो बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर का ऑपरेशन हुआ पेट और 9 घंटे तक ऑपरेशन चला, इसको बीमारी क्या हुई, डायवर्टिकुलाइटिस, बड़ी अंतड़ियों का रोग होता है और इसमें अंतड़ियां सड़ जाती हैं। तो जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया उसको मैंने एक बार पूछा कि भाई आपने 9 घंटे अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन किया, तो उसने कहा कि उसकी बड़ी आंत सड़ गई थी, जगह जगह से उसको काट के निकाला, तो 9 घंटे लगे, उन्होंने कहा हां लगे।